सारी ऐसे होंगे। तो आज हम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड डालेंगे, और मैंने कुछ वो था गोश्त था, उसको कुछ छोटे छोटे पीसेस करके ना, वो भी गोश्त शौक से खाते हैं, वो मैं डालने लगी हूँ। और अब शाम का टाइम हो गया तो मैं इनको खोलने लगी हूँ। अब मैं आपको तोते दिखाती हूँ अपने। ये देखें, ये हम ना, ये मैंने आपसे शेयर नहीं किया था, ये हम नया अपना पिंजरा लेके आए हैं, लकड़ी का सारा बना हुआ है। इसके अंदर मैंने चूज़े नहीं रखे क्योंकि वो पानी वगैरह बहुत ज़्यादा गिराते हैं ना, तो फिर मैंने कहा इसके अंदर ना ये बजेस वगैरह ठीक है, और ये ना ज़्यादा गंद भी नहीं मचाते और ये ठीक है रखने। तो फिर इसलिए ना हमने बजेस वाले पिंजरे में डक्स को रख दिया है, और वो बजेस वाला पिंजरा जो था ना वाइट वाला, वो मेटल का बना हुआ, उसके अंदर हमने डक्स को रख दिया है। और नीचे सारे बजेस को हमने कर दिया है सारे, देखें ये देखिए सारे इनके केन लगा दिए हैं बॉक्स मैंने, और ये पानी डाल दिया है इसमें, और ये दाना रख दिया है, और ऊपर अब माशाल्लाह ये देखो बजेस, और नीचे इनका वो भी लगा दिया मैंने ना, एक झूला था इधर भी लगा दिया, ग्रीन कलर का रिंग लगा दिए हैं जिसके ऊपर ये झूला खेलेंगे। और इंशाल्लाह मैं इनके लिए ना बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सीढ़ियाँ सी होती हैं, पिंक होती है, वो भी सारी चीज़ें ना ऑनलाइन मंगवाऊँगी, तो फिर इनका बड़ा खूबसूरत सा पिंजरा बन जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखें कॉकटेल, देख लें कॉकटेल भी अब अपने ना ब्रीडिंग बॉक्स में जाना शुरू हो गए हैं। अक्सर ही दोनों घुसे होते हैं, मगर अभी वो बाहर है, और वो जो है ना एक फीमेल, नहीं ये फीमेल बाहर है, मेल अंदर गया हुआ है। ये देखें ये हमारे ये जो है ना लव बर्ड, ये अक्सर ही वैसे अंदर ही घुसे रहते हैं। इनका दाना भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, बारिश बहुत तेज़ सुबह हुई थी, मगर वो अल्लाह का शुक्र है इस पिंजरे को ना हमने महफूज किया हुआ है। ये देखें ना ये सारा, इधर से दिखाओ ये सारा, इधर से मैंने सारा ऊपर नीचे सारा पीछे से ना तीनों तरफ से प्लास्टिक से कवर करके मैंने सिलाई कर दिया है। और ये मैं आपको दिखाऊं इसका, ये ऊपर ये बारिश होती है ना, तो मैंने इसका ये वाला इस तरह एक नीचे एक स्टिक, ये प्लास्टिक के नीचे ये एक स्टिक लगाई है इस तरह, ये लोहे की स्टिक लगा के ना ये मैंने यहाँ से सिलाई कर दिया, इस तरह ये नीचे आ जाता है, तो ये बारिश से भी बिल्कुल महफूज हो जाता है। और सर्दियों के लिए ये ज़बरदस्त किस्म का पिंजरा बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, अभी तो नहीं इसको नीचे करना। और वो देखें वो कॉकटेल भी माशाल्लाह, वो देखें वो देखें, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़े दिन की बात है, फिर मैं ना इसका ब्रीडिंग बॉक्स साइड से खोल के देखूँगी अंडे दिए हैं कि नहीं। और बजेस, बजेस का अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं है, कोई वो नहीं कर रहे कि इनको ना ये अपने बॉक्सेस में मिल जाते, बहुत ही कम है। एक हमारा पिछले दिनों एक मर गया, उसकी मैं वीडियो बना नहीं सकी, हमारा बजी मर गया, तो फिर भी दूसरा नया हम लेके आए हैं, एक एक पहले उड़ गया था, एक फिर मर गया, तो अब ये नया लेके आए हैं, तो अल्लाह करे कि ये पेयर बनाए। इनका दाना डालने वाला है, फखर दाना लेके आओ, है वैसे मगर थोड़ा और भी डाल देते हैं, मेरा फीड है। अच्छा, इनका पानी चेंज करना है, मेरा ख्याल है कि आज ना इनके नवेरा, मैं कह रही हूँ कि आज ना इनके पानी में, सबके पानी में पैरा डोज थोड़ी थोड़ी डाल दी। ये हमारे सेटअप का नया मेहमान है, ये देखें ये जेके है, इतना क्यूट है ना, बड़ा ही क्यूट है, मगर मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि ये ना रखें घरों में, रखना इनका अच्छा नहीं होता। अब मुझे बहुत डाउट है, मैं बहुत टेंशन में हूँ कि अब क्या करूँ, बच्चे कह रहे हैं देना नहीं है, तो मगर वो हमारी सफाई वाली बाजी भी, और सारे अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि ये रैबिट्स वगैरह को ना रखें आप, जाओ खाओ जी। तो अब आप कमेंट में बताना कि ये इनको अपने घरों में रखना या पालना इनको कैसा होता है, तो फिर ही मैं इनको अपने सेटअप पर रखूँगी, नहीं तो फिर मैं निकाल दूँगी, उसकी जगह मैं कोई और बर्तियाँ लेके आऊँगी। ये देखें ये दो खरगोश ये हैं, एक वो जिसका नाम मैंने अभी आपको जेके बताया, और एक और मैं आपको बताती हूँ, वो ज़रा थोड़ा ना डरा हुआ ही रहता है, वो देखें ये बैठा हुआ है, इसका नाम हमने जिंजर रखा है। सारे मैंने पानी वाले बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं, डाक का है ये, कॉकटेल का है ये, है
किंगफिशर का, लबर का, ये है रैबिट्स का, और ये हमारे चूहे का। इस सब के अंदर अब मैं दवाई मिक्स करूँगी। पैनाडोल ज़्यादा ही चला गया है ना, है ना, ये थोड़ा सा मल्टीवाइटम है। अब इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, ये डाल दिया। अब पैनाडोल भी डाल देती हूँ इन सब के अंदर थोड़ा सा। पौधे निकल आए हैं, इन्हें चाहिए ना इसके ऊपर चढ़ के ये पौधे सारे खा लें, इसमें सुंडियां भी बन गई हैं। इनकी जिंदा खुराक खानी चाहिए इन्हें। खरगोशों के लिए घास लेके आए थे और ये खा रहे हैं, और वो जो इनका दाना था वो खरगोश खा रहे हैं। कैसा खुला तजाद है। दाना पानी इनको डाल दिया है और ये देखे माशाल्लाह खाना शुरू हो गए हैं। इनका भी पानी और वो ऊपर कॉकटेल, वो भी अपना दाना खा रहा था और अब हमें देख के उड़ने की तैयारी में है। वो गया, उड़ जा। शाम के टाइम इतनी सीटियाँ बजाते हैं ना माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और वो तो नहीं बाइडू, वो बाइट बहुत ही कम निकलते हैं। उनका भी मैंने दाना भी डाल दिया, पानी भी चेंज कर दिया, उसमें मल्टीविटामिन और पैनाडोल का थोड़ा सा डाल दिया, एक एक दो दो ड्रॉप। और वो देखें जी, हमारा ये जो बीमार चूज़ा है ना, तो वो खरगोशों का पानी पी रहा है, क्योंकि इसमें ही मैंने पैनाडोल डाला है और मल्टीविटामिन भी डाला है। अल्लाह करे इससे ही शिफा हो जाए इसको, अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। बस दुआ करना कि हमारा ये जो परिंदे हैं ना, इतनी ज़्यादा मैं केयर करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा इनकी टेंशन होती है, ज़रा से बीमार होते हैं। आज इसको डॉक्टर के पास लेके गए थे तो डॉक्टर ने इसको वो साचे से दिया है, पानी में डाल के दिया, उनको अलग रखे दूसरे परिंदों से ना। तो अब हमने इनको अलग रखा हुआ है नीचे वाले पिंजरे में, और अभी मैंने कहा था खाना खा ले सबके साथ मिल के ना, इसलिए फिर मैंने इनको ऊपर लेके आई। अकेले खाते नहीं है, सबके साथ मिलके खा लेते हैं, फिर भी थोड़ा अक्सर मैंने इसलिए ये पिंजरा चूज किया था कि ये देखें, ये ना ये सारा नीचे जो गंद डालती है ना, सारी बिट्ठें वगैरह वो सारी नीचे करेंगी और ये कीचड़ नहीं होगा, ये खुला है नीचे से, पानी भी गिरेगा तो नीचे ही जाएगा, वो खुद गंदी नहीं होंगी, खुद गीली नहीं होंगी, क्योंकि कल हमने इनको नहलाया है और अभी शुक्र है कोई साफ़ सुथरी है। इनके पिंजरे में इनके इसमें डाला दाना डालना है ना, नहीं सुबह डाल, सुबह जरा के डाल, सुबह रात को तो नहीं खाना, रात को नहीं खाना होता, सुबह डाल। ये देखे तीनों किस तरह जुड़ के बैठे हुए हैं, ये हैं फ्लॉपसी, मॉपसी और जिंजर। और तीनों का झुंड देखें, वो उधर तीनों डक्स का झुंड देखें, तीनों डक्स देखें, वो देखें माशाल्लाह वो अपना एंजॉय कर रही हैं। और ये तीनों इधर अपना, बाकी जेके जो है ना वो देखें, जेके वो पिंजरे के बाहर उसने चूजों के साथ दोस्ती कर। ये देखें जी, शाम होने वाली है तो अब ना थोड़ी देर बाद मगरिब की अजान हो जानी है, तो इसलिए उससे पहले फिर हम अपने परिंदे बंद करके नीचे चले जाते हैं। तो मेरी तरफ़ से और जेके की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।